को इसका केमिस्ट्री में है और हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में भी उसको कुछ देखते हैं, आइडियल गैस क्या होती है। किसी भी चीज को बताने के लिए कुछ एज्यूम किया जाता है, जैसे अगर मेरे को ये पिन को बताना है, प्रूफ करना है, तो मेरे को इसका ये वाला पार्ट, इसका अपर कैप, इसका ये टेप, अंदर का इंक पैड, ये सबको एज्यूम करना पड़ेगा। और ये सब मैं एज्यूम जब करूँगा तो फिर बोलूँगा भाई ये लोअर पार्ट में मैंने ऐसा एक इंक पैड डाला, फिर उसके बाद ये ऐसा मैंने टिप उस पर फिक्स किया एंड ये अपर कैप मैंने लगाया, हैंस अ पेन प्रूफ्ड। तो कोई भी चीज को प्रूफ करने के लिए कुछ एज्यूम करना पड़ता है। अगर मैं एज्यूम्स जो होते हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें सवाल खड़े नहीं होते क्यों करके, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ एज्यूम्शन देख रहे हैं आइडियल गैस के, जिसको आपको मान लेने का है कि हाँ आइडियल गैस ये होती है करके। सबसे पहला एज्यूम्शन है गैस जो है उसमें एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एंड दे आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत छोटा पार्टिकल जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। फिर दूसरे एज्यूम्शन में ये बताया है कि दिस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली हार्ड इलास्टिक स्फीयर्स। स्फीयर है, हार्ड है, इलास्टिक है। अब हार्ड और इलास्टिक कैसे, यहाँ पे इसका मीनिंग है, हार्ड और इलास्टिक का मतलब होता है कि वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज हार्ड। और इलास्टिक का मतलब होता है कि ड्यूरिंग कोलिजन जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हम लोग उसको और एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या है या गैस क्या है। तो इट इज परफेक्टली हार्ड इलास्टिक स्फीयर। तीसरा एज्यूम्शन जो है, अगर आप कोई भी गैस लेते हैं, यहाँ पे तो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सब कुछ उनका आइडेंटिकल होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिफर नहीं होगा। ऐसे ही हम रियल गैसेस पे आते हैं तब भी हम जैसे मान लिया ऑक्सीजन गैस, तो उसका मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा चाहे आप कहीं पे भी ऑक्सीजन ले लें। हाँ, उसके स्ट्रक्चर और उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर गैस का जब हम लेते हैं तो इट विल बी आइडेंटिकल। फिर हम बात कर रहे हैं गैस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो है वो कॉम्पैक्टली क्लोज होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं और गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम लोग अगले एज्यूम्शन में यही बताते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं, और क्योंकि ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वाइडली सेपरेटेड है। After that, they choose random motion. Random motion का मतलब होता है in all possible direction with all possible velocities. मतलब particle जो है, जो हम molecule की बात कर रहे हैं, वो किसी भी direction में move हो सकता है और उसकी velocity कुछ भी हो सकती है, zero से लेके infinity तक। During two successive collision की हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें एक molecule है, molecule number one, ये जाके एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो ये हो गया पहला कोलिजन इसका। फिर जाके ये एक तीसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो ये हो गया दूसरा कोलिजन। अब इस कोलिजन के दरमियान दिस मॉलिक्यूल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एज्यूम्शन है कि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो दो बार अगर वो टकरा रहा है, मैं गया एक मॉलिक्यूल से टकरा, मैं एक मॉलिक्यूल से टकरा, फिर इधर आके दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा, तो इस दरमियान में स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल होगा। दैट इज ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन जो होता है कि मॉलिक्यूल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगला एज्यूम्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर आपने मान लिया कि भाई एक पर्टिकुलर गैस है, एक मीटर क्यूब में मैं बोल रहा हूँ 500 किलोग्राम की गैस है, तो उसका शेप बदल देने से, अगर मैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ और शेप बदल दे रहा हूँ, तो वो वैल्यू वेरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना नंबर, अगर मैंने बोला भाई एक मीटर क्यूब में 500 केजी के मॉलिक्यूल है, तो दो मीटर क्यूब में 1000 के होंगे, एक में 500 तो दो में 1000,
तीन में 1500, चार में 2000, यही चीज हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। हमारा जो आठवां एक्सम्पशन है, इट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे हम लोग बात करें अपने नागपुर की ही बात कर लेते हैं, नागपुर की आबादी क्या है, इट इज अराउंड 30 लाख के करीब है। अगर इसमें एक दो चार पांच लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, नागपुर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा मरते होंगे लोग, मतलब एक इंडिविजुअल लाइफ 30 लाख लाइफ के कंपैरिजन में क्या वैल्यू रखती है, कुछ भी नहीं रखती है। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना कम होता है कि एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ द गैस इट कैन बी निग्लेक्टेड, हम उसको छोड़ देते हैं। बट दिस इज फॉर आइडियल गैस, रियल गैस में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरीके हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, इट इज कंडक्शन। अगर जैसे मैं कोई रॉड लेता हूँ, लोहे का या कोई भी मेटल का रॉड, और उसके एक एंड को मैं गर्म करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, दूसरा एंड जो है ये अपने आप थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, ये जो मैं हीट दे रहा हूँ, यहाँ का मॉलिक्यूल उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये जो मॉलिक्यूल है इस हीट को अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल को देता है, और वो अपने बाजू वाले को देता है, वो अपने बाजू वाले को देता है, इस प्रकार से हीट ट्रांसफर होते होते दूसरे एंड तक पहुंचती है। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में हम लोग जब कभी भी एक पार्ट ऑफ द सिस्टम या कोई एक बॉडी का गर्म करते हैं तो दूसरा एंड जो है वो अपने आप गर्म हो जाता है, दैट इज कंडक्शन। दूसरा जो इसका टाइप है, इट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का जो एग्जाम्पल है, इट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर मैं पानी की बात करता हूं और पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, तो यहां पे होता क्या है, नीचे का जो मॉलिक्यूल है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम एक चीज अच्छे से जानते हैं, कोई भी चीज हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो फैलती है, फैलती है का मतलब वो हल्की होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर चले जाता है, और ऊपर का जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो नीचे आता है, और जब ये जो ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आता है तो ये गर्म होना शुरू होता है, और जब ये इस मॉलिक्यूल से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो ऊपर से नीचे आता है, ये वंस अगेन वापस ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। कहने का मतलब, अगर आपने जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर ऑब्जर्व किया होगा तो हमको पानी ऐसा ऊपर नीचे होते हुए दिखता है। तो ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर और ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे चले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो हीट यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रही है। इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर हो रही है, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो जा रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तीसरा जो टाइप है इसमें, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। हम लोग जैसे बात करते हैं सन से अर्थ के ऊपर रेडिएशन आ रही है, दिस इज सन, सन से अर्थ पे रेडिएशन आ रही है। हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी जैसे थोड़ा बहुत, इस साल तो उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत गर्म जो हमको लगता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। इस किस्से में क्या होता है, यहाँ सन से अर्थ पे जो रेडिएशन आ रही है, जो हीट आ रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ प्लेस एट हायर टेम्परेचर, मतलब सन जो है इट इज एट हायर टेम्परेचर, टू अनदर प्लेस जो कि वो टेम्परेचर पे होगा ऑब्वियसली, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब हीट का ट्रांसफर होना एक ऐसे प्लेस से जो कि हायर टेम्परेचर पे है टू अनदर प्लेस जो कि लो टेम्परेचर पे है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज नोन एज रेडिएशन। तो इस ये जो है, ये तीन तरीके हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट जाता है,
कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं है, सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म्स में हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाती है।